झारखंड के बहुचर्चित हजारीबाग के चोरदहा चेक पोस्ट पर जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार पुरेलाल लास्कर के साथ राज्य से बाहर और सीमा में प्रवेश कर रहे वाहनों की जांच की। इस दौरान दिन के उजाले में कोयले लादकर बिहार की ओर जा रहे चार ट्रकों क्रमशः JH9Q 2820 NL1AC 4837, JH9R2768, JH10CK 8328 को पकड़कर दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने बताया कि जिला खनन विभाग से संपर्क किया गया है, चारों पकड़े गए वाहनों के दस्तावेज खनन विभाग जांच करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि चोरदहा चेक पोस्ट से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक पर अवैध रूप से कोयले लादकर दूसरे राज्यों में भेजे जाने की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के आलोक में कार्रवाई की गई। इधर ट्रकों को छुड़वाने के लिए बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चौपारण में ही कोयले के अवैध दस्तावेज बनाए जाते हैं, इसी के आधार पर वाहन बड़ी आसानी से राज्य से बाहर चले जाते हैं। जानकारी हो कि इन दिनों जीटी रोड पर पुलिस के अलावे परिवहन विभाग और वन विभाग आदि कोयले लदी गाड़ियों को रोकने में अचानक अत्यधिक सक्रियता दिखा रहे हैं। बहरहाल इन सब से स्पष्ट है कि राज्य के खनिज संसाधनों का दोहन हो रहा है। रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान में कोयला गाड़ी गाड़ियों से जो है पेपर्स मांगी गई थी। जो पेपर मांगने पर जो दस्तावेज दिया गया उसमें माइनिंग चालान नहीं दिख रहा था, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो संदेहास्पद लग रहे थे। तो हमने उनको अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वायलेशन उसके अनुसार से सीज करते हुए हमने माइनिंग अफसर को, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को लिखा है, और वहाँ पर से जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की है। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई? अभी चार गाड़ियाँ पकड़ी। कहाँ से कोयला लदी थी और कहाँ जा रही थी वो डिटेल्स डॉक्यूमेंट देखने से पता लगा।